बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि बॉर्डर हमने कवर कर लिया है, अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैक्सिला, यानी कि जब हम पेशेंट में कंप्लीट डेंटर बनाएंगे तब कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स का हम हेल्प ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, यानी कि इन पे तो आप कितना ही फोर्स लगा लो। सेकेंड इज सेकेंडरी स्ट्रेस बेयरिंग एरिया, यानी कि इनकी भी आप हेल्प ले सकते हो। पहला है इसमें हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड इज पोस्टेरोलेटरल स्लोप्स ऑफ रेजिडुअल एल्वियोलर रिज, यानी कि पोस्टेरोलेटरल ये जो स्लोप्स हैं रिज से आ रही ये जो स्लोप्स हैं इन स्लोप्स की हेल्प से, ठीक है। सेकेंडरी में रुगे, रुगे क्या होते हैं भाई, फाइबरस बैंड होते हैं ये भी, ठीक है। ये यहाँ पे मिड लाइन से लेटरल की तरफ ये जाते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। सेकेंड इज मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, ये एक हार्ड चीज़ होती है तो इस पे भी आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो चार चीज़ें हैं इनकी हेल्प से कंप्लीट डेंचर जो है वो फोर्सेस सहन कर पाते हैं। फर्स्ट इज हार्ड पैलेट, इनमें बेसिकली ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से रिटेंशन काफ़ी बढ़ पाती है। एंड सेकेंड इज पोस्टेरोलेटरल, पोस्टेरो मतलब पोस्टेरियर रीजन में, लेटरल यानी कि ऐसे, जो ये स्लोप है इन स्लोप से भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, प्राइमरी स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज। नाउ सेकेंडरी में क्या आता है, एक तो रुगे, रुगे मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीरियर रीजन ऑफ पैलेट होता है, एंटीरियर रीजन ऑफ पैलेट उसमें होता है, और होते क्या है, म्यूकस फोल्ड होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। फोल्ड्स इन म्यूकोजा प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन स्पीच, स्पीच में भी ये हेल्प कर देते हैं। सेकेंड इज मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, बिल्कुल पीछे यानी कि सेकेंड और थर्ड मोलर के जस्ट पीछे ऑन रेजिड्यूल रिज क्या होता है, बल्बस एक्सटेंशन हो, एंड दे आर लीस्ट लाइकली टू रिजॉर्व, ये मतलब बहुत ही रेयर होता है इनका रिजॉर्प्शन होना, यानी कि ये धीरे धीरे कम नहीं होते हैं। जनरली रिज जो होते हैं पेशेंट के रेजिडुअल रिज वो रिजॉर्व कहीं ना कहीं होने लग जाते हैं। तो ये चारों चीज़ें क्या हैं, स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज, इन पे स्ट्रेस जो है वो लगाया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज रिलीफ एरियाज ऑफ मैक्सिला, क्या क्या पढ़े हमने अभी तक, एक तो लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज, नाउ द थर्ड इज रिलीफ एरियाज, यानी कि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इन पे हम प्रेशर ज़्यादा नहीं लगा सकते, हमें इनको रिलीफ करना पड़ेगा। सो दीज एरियाज रिजॉर्व अंडर कॉन्स्टेंट लोड, ज़्यादा लोड देंगे तो रिजॉर्व हो जाएंगे। कॉन्टेन फ्रेजाइल स्ट्रक्चर्स विद इन, यानी कि इनमें बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल नर्व्स, ब्लड वेसल्स हो गई, ये सभी चीज़ें, तो इसलिए इन पे हम मैस्टिकेटरी लोड्स ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। चार चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज इंसिसिव पैपिला, देखिए यहाँ पे पर्पल कलर से बहुत अच्छे से शो किया हुआ है, दिस इज इंसिसिव पैपिला। सेकेंड इज मिड पैलेटाइन रेफे, मिड यानी कि बिल्कुल बीच में, ठीक है, पैलेटाइन यानी कि पैलेट के जस्ट बीच में जो ये लाइन जा रही है दैट इज मिड पैलेटाइन रेफे। थर्ड इज फोविया पैलेटाइन, यहाँ पे देखिए दो होल्स आपको, दो डिप्रेशन आपको दिखेंगे, दीज आर फोविया पैलेटाइन। एंड फोर्थ इज कस्पिड एमिनेंस, कस्पिड क्या होता है, हमारे जो कैनाइंस होते हैं उसको हम कहते हैं कस्पिड, जब कैनाइंस जो है वो शेड हो जाते हैं या फिर निकल जाते हैं उनके जगह पे जो बोन है वो शार्प रहती है थोड़ी सी, उसे हम कहते हैं कस्पिड एमिनेंस। चारों को पढ़ते हैं जल्दी से, फर्स्ट इज इंसिसिव पैपिला, मिड लाइन स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिहाइंड द एग्जिट पॉइंट ऑफ नेसोपैलेटाइन नर्व, यहाँ पे आपने जनरली आप टच भी कर सकते हैं, जो आपके सेंट्रल इंसाइजर्स है दोनों उनके जस्ट बीच में पीछे की तरफ आप टंग लगाएंगे वहाँ पे होता है नेसोपैलेटाइन नर्व्स एंड स्फीनोपैलेटाइन ब्लड वेसल्स वहाँ से एग्जिट करती हैं, ठीक है। दैट इज इंसिसिव पैपिला, इट शुड बी रिलीव्ड, इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा लग गया तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को फील होगा। मिड पैलेटाइन रेफे क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज कलर से बहुत अच्छा शो किया हुआ है, मीडियन सूचक, बेसिकली जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो दो पैलेट्स जो हैं हमारे वो ऐसे जुड़ते हैं, तो बीच में जहाँ पे ये सूचर होता है जुड़ते ही ये फ्यूज होते हैं, ये दैट इज अ मीडियम सूचर एरिया कवर्ड बाय अ थिन सबम्यूकोजा, दिस इज कॉल्ड एज मिड पैलेटाइन रेफे, दिस शुड बी रिलीव्ड ड्यूरिंग डेंटल फैब्रिकेशन, इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। नाउ द थर्ड इज फोविया पैलेटाइन, फोविया पैलेटाइन मैंने बताया था कि मिड पैलेटाइन रेफे के जस्ट पीछे दो डिप्रेशंस थे, दिस इज फॉर्म्ड बाय कोलिजंस ऑफ डक्ट्स ऑफ सेवरल म्यूकस ग्लैंड्स, यहाँ पे पीछे की तरफ बहुत सारे ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स जो म्यूकस रिलीज करती हैं, उन म्यूकस ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है वो वहाँ पे होती हैं, एंड दीज एक्ट्स एज आर्बिट्रेरी गाइड टू लोकेट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेंचर,
यानी कि फोविया पैलेटाइन की हेल्प से भी। कई बार पीपीएस अगर किसी को नहीं दिखाई देता है, ध्यान नहीं दे पाता है, तो फिर हम जो फोविया पैलेटाइन है उसके हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि हमारा डेंचर कितना जाएगा। जनरली जो फोविया पैलेटाइन होते हैं उनके 1 या 2 mm बियॉन्ड तक हम डेंचर लगाते हैं। सिक्रीशन ऑफ फोविया स्प्रेड एज अ थिन फिल्म ऑन द डेंचर, देयर बाय एडिंग इन रिटेंशन। यानी कि जो मैंने बताया कि म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो फोविया पैलेटाइन में ओपन होती हैं, तो इनकी वजह से यहाँ से थोड़ा थोड़ा म्यूकस जो है वो सिक्रीशन होता जाता है, रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो कंप्लीट डेंचर है वो एक दूसरे से रिटेंट रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, कस्पिडेमिनेंस देखिए बोनी एलिवेशन होती है ऑन रेजिड्यूअल रिज। रेजिड्यूअल रिज से जब कैनाइन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो बोनी एलिवेशन वहाँ पे रहती है, दैट इज कॉल्ड एज कस्पिड एमिनेंस विच इज लोकेटेड बिटवीन कैनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आउटलाइन है आपको अब याद रह जानी चाहिए, जो आउटलाइन है लिमिट करती है जो कास्ट को, दोज आर लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स। पीछे तक 4 होते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स और 4 ही होते हैं हमारी रिलीफ एरियाज, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, इससे हमें भी काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है। एंड अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप तो हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर पे डेंटल एम्पायर नाम से, उसे इंस्टॉल कीजिए और एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए बनाई है ओरल हिस्टोलॉजन फिंगर टिप्स। अलोंग विद दैट अगर आप किसी भी ईयर में हैं तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू मैनेज मेडिकल इमरजेंसीज ऑन डेंटल क्लिनिक या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो ऐसे ही और सारे बेहतरीन सीरीज को इनरोल कराने के लिए आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर डेंटल एम्पायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन। थैंक यू, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।